देश के अधिकांश एटीएम में कैश गायब है। आरबीआई और सरकार देश के 80% एटीएम में कैश होने का दावा तो कर रही है, लेकिन लोग कैश ना मिलने से परेशान हैं। क्या है ये पूरा माजरा, आप जरा देखिए। देश में है कैश का संकट। नोटबंदी के बाद एक बार फिर देश में कैश की किल्लत खड़ी हो गई है। देश के कई राज्यों में एटीएम से पैसे गायब हैं। सरकार ने डिजिटलाइजेशन को बढ़ने का दावा किया ताकि कैश का चलन बाजार में कम हो, साथ ही बाजार में जरूरी के कैश की उपलब्धता का भी दावा किया है, लेकिन सरकार के ये दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। आखिर ये कैश कहाँ गया? बाजार में उपलब्ध 2000 के नोट क्यों अचानक कम पड़ गए? देश भर के कई हिस्सों में लोग कैश के लिए एक एटीएम से दूसरे एटीएम के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें एटीएम में कैश नहीं मिल रहा। सबसे ज्यादा वो लोग परेशान हैं जिनके घरों में शादी है। 8-10 दिन जब शादी में रह गए तो हाथ में कैश नहीं है, पेमेंट पैसा है बैंक में है, लेकिन बैंक में से निकाल नहीं सकते। नहीं एटीएम में मिल रहा है कि नहीं बैंक कैश काउंटर पे मिल रहा है, वो आप भी दे रहे तो 2-4-5 हजार दे रहे, 2-5 हजार का में काम तो होने वाला नहीं है। 22 अप्रैल को शादी है और ये जो नोट या आपको बैंक पैसा नहीं दे रहा, इसलिए हमको बहुत तरह की दिक्कत है। बैंक में भी पैसा कहता है नहीं, जब कोई जमा करेगा तब देंगे। और मेरा बहू का कपड़ा लत्ता या गहना कुछ खरीदना है, वो सब भी अभी हम नहीं खरीद पाए हैं, क्योंकि कोई उधार 10 या 15 हजार का देगा, 50 हजार का उधार कोई नहीं देगा। देश के 80% एटीएम में है कैश। हालांकि सरकार के दावे हकीकत से अलग हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री कैश संकट को सिरे से खारिज कर रहे हैं। वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला का कहना है कि देश में अब कैश का कोई संकट नहीं है, देश के 80% एटीएम में कैश उपलब्ध है। देखो, पिछले 2 दिनों से सरकार ने, आरबीआई ने, दोनों ने स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से किया है और आज मैं समझता हूं कि देश के 80% से ऊपर के एटीएम्स में पैसे है, जहां भी कोई जाएगा वो है। कुछ लोगों की आदत हो गई है कि वह अपने को शो करने के लिए लोगों को गुमराह करते हैं, देश को गुमराह करने का काम करते हैं। मेरा ऐसे लोगों से नम्र निवेदन है कि वह अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए देश को गुमराह न करें कम से कम। सरकार ही नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक भी कैश की कमी नहीं होने का दावा कर रही है। सरकार और आरबीआई का दावा है कि देश में कैश की कोई कमी नहीं है, बाजार में जरूरी के कैश 80% तक उपलब्ध हैं। कैश की ये किल्लत ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हुई, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन सरकार के लाख दावों के बावजूद देश के दूर दराज के इलाकों में ही नहीं, राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों के एटीएम में भी कैश नहीं मिल पा रहा। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज। इधर एटीएम में कैश न होने के चलते व्यापारी परेशान है। अचानक एटीएम से कैश गायब हो जाने से व्यापारियों में भय का माहौल पैदा हो गया है। एशिया की सबसे बड़ी जींस मार्केट टैंक रोड के व्यापारियों की समस्याओं पर देखिए टोटल न्यूज संवाददाता तरुण खालरा की एक खास रिपोर्ट। पिछले कुछ दिनों से एटीएम कैशलेस हो चुके हैं, कई जगहों पर देश में इस तरह की तंगी सामने आ रही है। कई स्टेट्स तो बहुत सीवियरली इसके ऊपर इफेक्ट हुए हैं कि एटीएम के अंदर कैश ही नहीं मिल रहा है। इस समय हम टैंक रोड में खड़े हैं, जो एशिया की जींस कारोबार के अगर लिहाज से देखें तो सबसे बड़ी मार्केट है, और अगर कैश नहीं होगा मार्केट के अंदर तो जाहिर तौर पर व्यापार भी प्रभावित होगा। सर, क्या आपको लग रहा है जो समस्या थी अब थोड़ी बहुत सुधरी है कि अभी ज्यों की त्यों बनी हुई है? मुझे तो लगभग ऐसा लग रहा है, मोदी जी ने बोला था कैशलेस इकोनॉमी, एटीएम को भी कैशलेस कर दिया गया। जैसे नंबर के हालात से लाइनें लगी हुई थी, सेम ऐसे हालात हैं। कस्टमर आता है, माल निकालता है, एटीएम से पैसे निकालने जाता है, वहाँ पैसे नहीं होते हैं, वापस आता है, निकला हुआ माल छोड़ के चला जाता है। पिछले कई दिनों से हम इस समस्या का सामना कर रहे हैं। हमारे कॉर्नर पर ही, मार्केट के कॉर्नर पर एटीएम है, वहाँ कई बार दिन में 4-4 बार एटीएम में अगर वो पैसे के लिए कस्टमर जाता है, कहीं से उसको कोई सुनवाई नहीं हो रही है कस्टमर की। ये एक ही बैंक के साथ है कि सब मल्टीपल बैंक्स के अंदर ये दिक्कत आ रही है कि एटीएम सभी जगह पर कैश नहीं दे रहा? नहीं, ये तो सभी जगह दिक्कत आ रही है, और इस दिक्कत का कारण हो सकता है कि जो आने वाले इलेक्शन के अंदर लोगों ने जो कैश इकट्ठा कर लिया है ताकि इलेक्शन में यूज हो सके। आजकल पॉलिटिक्स से ही जुड़ता है। हाँ, मुझे तो वो पॉलिटिक्स से ही जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले नोटबंदी हुई, फिर GST हुआ, और अब ये काम हो गया। सीलिंग भूल गया? हैं नहीं, सीलिंग तो ही है साथ, वो दिल्ली के लिए है ना,
तो इसलिए नहीं बोल पा रहा है ना मैं। डर भी रहता है कि काफी कुछ हो रहा है, नोटबंदी होगी, जीएसटी होगी, सीलिंग हो गई, शायद अब क्या हो सकता है, तो शायद उसकी भूमिका बन रही है, इसी कारण कैश खत्म हो गया एटीएम से। अब व्यापारी किसान के रूप में आना पड़ेगा, जैसे किसान सुसाइड करते थे, आने वाले समय में अगर यही हालात रहे तो व्यापारियों को सुसाइड करना पड़ेगा। इवन कैश में छोटी करेंसी भी गायब हो चुकी है मार्केट में, 100, 50, 10, 20 के कोई नोट नहीं है, जो गवर्नमेंट ने वायदा किया था कि छोटी करेंसी मार्केट में आई है, आप जनरल चलन में छोटी करेंसी भी नहीं देख पाएंगे। तो इस प्रचलन से भी लोगों को बहुत दिक्कतें आ रही है। इवन आप ओला मनी में भी ओला के पेमेंट नहीं कर सकते, अगर 50 रुपये खुले देने तो आप पेमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि कैश नहीं है बाजार में, छुट्टे कैश भी नहीं है। तो मोदी जी का कोई ध्यान, या गवर्नमेंट का, या दिल्ली गवर्नमेंट का, या सेंट्रल गवर्नमेंट का, हम किसी पार्टी पे विशेष ना करें तो भी किसी पे कोई ध्यान नहीं जा रहा है। फुटबॉल भी आपकी मार्केट में क्या कम हुआ है? लोग कह रहे हैं कि पहले पांव रखने की जगह नहीं होती थी, लेकिन आज खाली बैठे हैं लोग। मेरी शॉप ही एटीएम के पास है, एक कोटक का एटीएम और एक एक्सिस का, दोनों के दोनों एटीएम बिल्कुल खाली रहते हैं, कैश होता ही नहीं है उसमें, होता है तो काफ़ी लंबी लाइन होती है, बाकी फिलहाल बिल्कुल जीरो है। तो कहते हैं कि क्या कैशलेस हो चुकी है मार्केट, क्या वाकई कैश की जरूरत पड़ती है कि कैशलेस काम नहीं कर रहा? बिल्कुल जरूरत पड़ती है जी, बहुत जरूरत पड़ती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज ही हमारे पास जैसे एक दो कस्टमर आते हैं, उसको एटीएम से निकालने में नोट की प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरे को अपने लड़के को कन्वेंस दे के भेजना पड़ रहा है कि जाओ पूरे करोलबाग एरिया में उसको लेके जाओ, जहाँ इसको 2000 मिले वहाँ 2000 निकाले, जहाँ 3000 निकले 3000 निकाले, उसको 20-25 हज़ार रुपये निकालने के लिए समथिंग 10-10 एटीएम पे जाना पड़ रहा है। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं वहाँ पे। तौर पर पहले से ही कमर टूटी हुई थी व्यापारियों की, ऊपर से अब कैशलेस हो चुके हैं, एटीएम सीलिंग की मार ऑलरेडी झेल रहे हैं व्यापारी, जीएसटी से परेशान हैं, तो मोदी सरकार को सीधे तौर पर इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कैमरामैन योगी के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज, दिल्ली। और इधर तीसरे दिन भी कई जगहों पर एटीएम में कैश की किल्लत बरकरार रही, जिसके चलते लोग भी परेशान दिखाई दिए। एटीएम पर आज कैसा हाल रहा, इसको लेकर नोएडा के सेक्टर 62 के एक एटीएम का जायजा लिया संवाददाता पूजा राठौर शर्मा ने। कैश की किल्लत तीसरे दिन भी बरकरार है और यहाँ हम मौजूद हैं इस वक्त नोएडा में, आईडीबीआई बैंक का एटीएम है और यहाँ पर एक शख्स खड़े हैं जो काफी देर से कोशिश कर रहे हैं कि शायद यहाँ से कैश निकल जाए। सर, आप भी विड्रॉल करने के लिए आए थे? यस मैम। तो क्या निकला नहीं कैश? नहीं, कैश क्या मैसेज आ रहा है? कैश नहीं है। कैश नहीं है, अच्छा, बिकॉज क्योंकि पिछले 2-3 दिन से इस तरह की दिक्कत बनी हुई है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों को हो जाती है? प्रॉब्लम तो हो जाती है कैश के बगैर, मगर ऑनलाइन है तो कर लेते हैं हम तो। अच्छा। जो ऑनलाइन नहीं कर सकते उनके लिए ज्यादा दिक्कत है। हाँ, बिल्कुल, आपको यहाँ से इधर ट्रेवल करने के लिए तो कैश हाथ में चाहिए, तो ये प्रॉब्लम आज ही फेस कर रहे हैं या पिछले दिनों में फेस? 2-3 दिन से। 2-3 दिन से, तो कैसे मैनेज कर रहे हैं सर? मैनेज तो करना ही पड़ता, पहले भी किया। हाँ, मतलब नोटबंदी वाले टाइम की बात कर रहे हैं? यस मैम। याद आ रहा है वो टाइम? यस मैम, बिल्कुल। तो यहाँ किस तरह दिक्कत यहाँ पर पेश आ रही है कि कैश नहीं है और यहाँ एटीएम में लोग आ रहे हैं कि किसी तरह से विड्रॉल है वो हो जाए, लेकिन नहीं हो रहा। तो तीसरा दिन है आज और एटीएम में कैश की जो किल्लत है वो बरकरार है, यानी लोग खुद कह रहे हैं कि एक बार पहले भी हम इसी तरह की जो सिचुएशन है फेस कर चुके हैं, एक बार फिर कर रहे हैं तो एक आदत सी बन गई है। तो इस तरह का माहौल है, जो यहाँ पर आने वाले लोग हैं एटीएम से जो कैश निकालना चाहते हैं वो नहीं निकाल पा रहे हैं, यानी दिक्कत कैश को लेकर बरकरार है। कैमरामैन ललित के साथ पूजा राठौर शर्मा, टोपी न्यूज, नोएडा। और वहीं कई जगहों पर एटीएम में कैश की जो किल्लत है जो नजर आई है, इस बीच आज तीसरे दिन कई ऐसे एटीएम रहे जहां पर कैश मिला भी है, यानी तीसरे दिन स्थिति थोड़ी बेहतर 2 दिन के मुकाबले हुई है। तो लोग जो पिछले 2 दिनों से कैश ना होने से परेशान थे, आज राहत की सांस लेते नजर आए। जायजा लिया संवाददाता पूजा राठौर शर्मा ने। नोएडा के सेक्टर 63 में आइए, यहाँ पर क्या हालात है एटीएम में, क्या तीसरे दिन भी कैश की किल्लत बरकरार है, आइए देखते हैं। लेकिन यहाँ पर आकर जो ये कह सकते हैं कि राहत कही जा सकती है, क्योंकि कैश इस एटीएम से निकल रहा है, जो पिछले 2 दिन लोगों के लिए काफी भारी रहे हैं, ये कहें कि परेशानी भरे रहे हैं, तो वो आज कुछ राहत उन्हें मिल रही है, क्योंकि अब एटीएम में कई ऐसे एटीएम्स हैं जहां पर कैश भी अवेलेबल है और निकल रहा है, और लोगों के लिए एक बड़ी राहत इसे कही जा सकती है। सर, कैश निकल रहा है, अच्छा लगा सुनकर। अच्छा, जब पता लगा कि इस एटीएम में कैश अवेलेबल है, कैसी फीलिंग हुई? फीलिंग गुड, अच्छा, क्या जरूरी है आज? और पिछले 2 दिन से क्योंकि एटीएम में कैश नहीं था, आज भी कई एटीएम में कैश नहीं है। प्रॉब्लम हो रहा है, ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कैश है जल्दी घर भेजना है, ज्यादा दिक्कत हो रहे हैं। हाँ। और प्रॉब्लम भी फेस कर रहे हैं, 2 दिन के लिए कैश लोन बन रहे, फिर भी नहीं मिल रहा, एटीएम से भी कहीं एटीएम में जाना है तो ना
नो कैश। अच्छा, तो घर वालों को खुशखबरी दे दी कि आज कैश आ जाएगा? हाँ। तो बिल्कुल आप चेहरे की मुस्कान से अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग कितना खुश हैं, क्योंकि कैश अवेलेबल है और एटीएम से बड़ी दिक्कतें आ रही थी। एक और जनाब आए हैं, सर आप भी कैश निकालने आए हैं? देख रहे हैं, तो कैश तो निकल रहा है, ये तो समझ में आ गया। कैसा फील हो रहा है, राहत लगी? नहीं, मुझे कैश की बहुत कम जरूरत पड़ती है। अच्छा, तो आज आया हूँ तो मिल रहा है, ठीक है। लेकिन दो दिन से कैश अवेलेबल नहीं था, आज यहाँ से आपको एटीएम नहीं आया। चलिए, तो इनका निकलना ही अच्छे वक्त पर हुआ है, दो दिन से इनको कैश की जरूरत नहीं हुई, लेकिन आज जब हुई तो एटीएम में कैश अवेलेबल है। तो ये एक गुड न्यूज कही जा सकती है लोगों के लिए कि तीसरे दिन जो है थोड़े जो हालात है वो बेहतर हुए हैं, जिससे दो दिन से जो लोग कैश की किल्लत को लेकर परेशानी में दिख रहे थे, किसी को अपने घर कैश भेजना था और अपने जरूरी खर्चों के लिए, रोजमर्रा के खर्चों के लिए जब कैश चाहिए, तो ऐसे में एटीएम में कैश अवेलेबल नहीं था। लेकिन तीसरे दिन कुछ एटीएम हैं जहां पर कैश अवेलेबल है। तो नोएडा का सेक्टर 63 में ये इंडसइंड बैंक है, जबकि एटीएम में कैश अवेलेबल है। तो अगर आपको जरूरत है तो आप यहां आ सकते हैं। कैंपमैन ललित के साथ पूजा राठौर शर्मा, टोटल न्यूज, नोएडा। बात कैश संकट की है। अचानक दरअसल पैदा हुए इस कैश संकट के पीछे कई चीजों को जिम्मेदार बताया जा रहा है। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक कैश संकट की जांच होनी चाहिए और साथ ही जानकार ये भी मानते हैं कि अगर तुरंत एक्शन नहीं लिया गया तो स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो सकती है। ये वो सवाल है जिसके जवाब इन दिनों हर कोई तलाश रहा है। पहले नवंबर 2016 में नोटबंदी ने लोगों की कमर को तोड़ दिया, उसके बाद जुलाई में जीएसटी लागू होने से लोग परेशान रहे, कई कई दिनों तक कामकाज ठप रहा, लोग खाली रहे, परेशान रहे, दुकानों से ग्राहक नदारद दिखे। अमूमन कुछ ऐसे ही हालात अब बनते नजर आ रहे हैं। जीएसटी का जो है वो ये भी बात साथ है कि भाई इसका अच्छा असर पड़ेगा आने वाले समय में, लेकिन डिमोनेटाइजेशन के जैसे ही हालात में सुधार हुआ, अतंत ये अचानक जो है वो ये कैश क्राइसिस आ गई, और कैश क्राइसिस आने से मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होती है, इंडस्ट्रियल तो होता ही है लेकिन जो रूरल इकोनॉमी है उस पर अच्छा खासा असर पड़ता है। और हमारा देश जो है वो केवल मात्र अभी जो है वो चेक या कार्ड के माध्यम से ही नहीं ऑपरेट कर सकता, कैश की नितांत आवश्यकता है। लोग शादियाँ करते हैं इस समय, किसानों को जो है वो अपने पैसे की आवश्यकता है, सभी लोगों को पैसे की आवश्यकता है। जबकि इसके उलट अर्थशास्त्री अरुण कुमार जीएसटी को काफी जटिल मानते हैं, साथ ही उनका यह भी कहना है कि नोटबंदी के दरमियान करीब 18 लाख करोड़ की करेंसी थी और नोटबंदी से लेकर अब तक करेंसी का सर्कुलेशन नहीं बढ़ा है, लिहाजा लोगों को परेशानी हो रही है। ऐसा है, देखिए जो सरकार ने खुद कहा अपने इकोनॉमिक सर्वे में कि जो रेट ऑफ ग्रोथ थी करेंसी की, अगर उस रेट से चलता तो उस समय जब नवंबर में 2016 में किया था तो उस समय 18 लाख करोड़ रुपए था, तो 18 लाख करोड़ बढ़ के आज 23 लाख करोड़ रुपए हो जाना चाहिए, लेकिन अभी देखा है कि जो करेंसी सर्कुलेशन वो करीब 18-18.5 लाख करोड़ ही है, तो इसलिए कहा जा सकता है कि 4.5 लाख करोड़ रुपए कम है करेंसी उस मुताबिक जितनी होनी चाहिए थी अगर उसी रेट ऑफ ग्रोथ। तो सरकार तो वो जस्टिफाई करती है कि ये डिजिटाइजेशन की वजह से है कि अब कैश की रिक्वायरमेंट कम हो गई है, तो ये कई सारी ऐसी चीजें हैं। डीएस रावत की माने तो जीएसटी का कैश क्राइसिस से कोई लेना देना नहीं, जिनको फॉर्म भरना है वो हर हाल में भरेंगे, लेकिन नोटबंदी का असर अभी भी ग्रामीण इलाकों में है, नोटबंदी के असर से ग्रामीण इलाके उभर भी नहीं पाए हैं। जहां तक जीएसटी का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि इसका 3 महीने तक जो है उसका असर रहा, उसके बाद ये धीरे धीरे अपने जो है वो एक अच्छा रूप उसने ले लिया, और निश्चित तौर से जीएसटी लॉन्ग टर्म में देश के हित में और देश की अर्थव्यवस्था के हित में है। जहाँ तक डिमोनेटाइजेशन का प्रश्न है, मैं समझता हूँ कि इसको काफ़ी समय हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी रूरल इकोनॉमी में इसका अच्छा खासा असर अभी भी देखने को मिलता है। जब आप रूरल की बात करें तो उस समय रूरल इकोनॉमी का अर्थ होता है कि लोगों की बकरियां हैं, भैंसे हैं, जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं और उनका वो जो ट्रेडिंग करते हैं उनको जो है वो उसी के माध्यम से, तो गांव के अंदर में इस प्रकार डिजिटल इकोनॉमी को नहीं जानते, आज भी नहीं जानते, पहले भी नहीं जानते थे, और आज भी वही ऐसा नहीं है कि वो सुविधा उपलब्ध है, तो उसके माध्यम से काम नहीं होता, उसमें केवल नकदी पैसा चलता है, और उसी के कारण जो है
रूरल इकोनॉमी में आज भी जो है वो उसमें गिरावट है। वजह चाहे नोटबंदी हो या फिर जीएसटी, इसका सीधा खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। पैसे होने के बावजूद वो एटीएम दर एटीएम भटक रहे हैं, लेकिन कैश कहीं पर नहीं है। एटीएम में कैश का अकाल पड़ा है और जनता बेहाल है। लीडर्स टोटल न्यूज।